بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی تے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین ساری کائنات رہبر رہنما پیشوا مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دا عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک اللہ پاک دی بڑی ہی رحمت اللہ پاک دا خاص انعام ہے کہ اللہ ارحم الراحمین نے مینوں اور توانوں اپنے گھر دے اندر اپنے دربار دے اندر حاضر ہون دا موقع نصیب فرمایا ہے دعائے فرمانا اس مقام تے اکٹھیا ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا سبب بنائے جس آیات کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتے سورہ کاف قرآن پاک دا 16 پارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل جمعۃ المبارک دے اندر سابقہ جڑے گزر چکے نے انہاں جمعیاں دے اندر بھی تسی سورہ کہف دی تفسیر سماعت فرما چکے ہو اج دا 11واں رکوع جس دا آغاز حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی رحم دل بادشاہ عدل کرن والے انصاف کرن والے جنہ دے بارے مشرقین مکہ نے یہودیہ دے کہن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولو سوال کیتا مفسرین نے جنہ باتاں نو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دعوت توحید نو پیش فرمایا مکے دی وادی دے اندر لوگاں دے عقائد بہت زیادہ خراب ہو چکے سن بیت اللہ جڑا خالص اللہ دی عبادت واسطے کر بنایا گیا ہے اس دے اندر اس وقت دے مشرقین نے 360 بت رکھ کے انہاں دیاں عبادتاں شروع کر دیتیاں سن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت آپ دا پیغام اللہ دا آرڈر اللہ دا حکم کہ سونیا انہاں نو انہاں بتاں دی پوجا تو روک کے میری عبادت دا حکم کرو میرے ول انہاں نو عبادت دی دعوت دیو مشرقین مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات منن دی بجائے آپ دا مقابلہ شروع کر دیتا اور مشرق اندھیرے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہے اے نہ جا کے یثرب دے یہودیاں کولو رہنمائی منگی
किस बात की कि तो ही समझ आ जाए नहीं कि मुहम्मद नू झूठा साबित करिए नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो मुफसरीन ने लिखे है, मुहद्दिसीन ने लिखे है कि यहूदियों ने आख्या कि उस मुहम्मद कोलो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन सवाल करो, अगर उन्होंने जवाब ठीक दे देन ते समझो कि अल्लाह दे सच्चे पैगंबर ने, अगर जवाब ना दे सकन फिर उन्होंने झूठे होने विच शक कोई नहीं। वो तीन सवाल केड़े सन? पहला सवाल असहाबे काफ दे बारे कि वह नौजवान कौन सन, किन्ने सन। दूसरा सवाल रूह दे मुतल्लक के रूह की चीज़ है, या बाद में लिखे है कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे सवाल सी। और तीसरा सवाल कि उन्होंने ज़ुल्करनैन दे बारे पूछो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलो जदों ये बातें पूछियां गईयां आपने बज़रिया वही इन्हां बातों का जवाब दिता। और अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा तज़किरा करन दी कोशिश करांगा। पहले ये बात ज़हन नशीन फरमाना, सारा कुरान ही बड़ी असमत वाला, बड़ी शान वाला, बड़े मुकाम वाला है, लेकिन सूरा काफ जड़ी तुसी समात फरमा रहे हो और जड़े अहबाब जुमा वाला दिन इंदी तिलावत करते ने, इनू पढ़न की कोशिश करते ने, तो यकीनन इस अंदर तीन बातों का जरूर सबक मिलता है। पहली बात इस्तकामत का दर्स मिलता है तो सूरा काफ तो मिलता है। अल्लाह दे ईमान लियाउण तो बाद पक्या किवें रहना है, मजबूत किवें रहना है, बात ध्यान समाध फरमाना। अल्लाह नू अपना खालिक मालिक रासिक इबादत वाला मन के कि अल्लाह अगे ही चुकना है, उन्दी ही इबादत करनी है, ईमान लियाउण तो बाद पक्या रहना। जिस तरह वो नौजवान असहाबे काफ जिन्ना मालो मता की परवाह नहीं की, रिश्तेदारां की परवाह नहीं की, असीसो अकारब की परवाह नहीं की, वक्त के बादशाह की परवाह नहीं की, मजबूत रहने। आज हर पासे कलमा पढ़ते लोग तो नजर आउणगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नारे बुलंद करते नजर आउणगे, लेकिन ईमान की हकीकत तो वाकिफ नहीं, कलमे की हकीकत तो वाकिफ नहीं। आखोगे हाफज जी उनकी दलील की है, जो बंदा पढ़ता ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंदा है, ला आया ही इस वास्ते वे अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक फिर तुहानू कब्रां आबाद नजर आउणगियां, लोग सजदे करदे नजर आउणगे, मूर्तियां पूजदे नजर आउणगे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जाते ने। आ मंगल का दिन है, आ बुध का दिन है, आ जुमेरात का दिन है, आ हफ्ते का दिन है, ए इंज गुजरदा है, ए इंज गुजरदा है, ए रजब का महीना है, आ शाबान का महीना है, इन्हां विच फलाने दिन बड़े भारे होंगे ने, फलाने दिन बड़े हौले होंगे ने, फलाने दिन नूं कुछ हो जाता है। ये सारिया बातां तौहीद वाले नूं बोलो जचदियां नहीं जचदियां, क्योंकि सारे दिनों का मालिक
हर अयाम हर लम्हे दा मालिक बोलो कौन है? जिंदा कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह तो इलावा कोई नहीं, सारे इख्तियार सारिया लुकियां छुपियां चीज़ां नू जानन वाला। एक होर बात जहन नशीन फरमाना, कोई गल नहीं, लाइट बंद है, मेरे वल तवज्जो रखना, बदमजगी तुहाडे वलों नहीं होनी चाहिए, तुहाडी तवज्जो होनी चाहिए है, परेशान ना बैठो, ये तुहाडे मेरे वस की बात नहीं। दुआए फरमाओ अल्लाह नेक हुक्मरान अता फरमाए। जुमे का लिहाज भी नहीं किया, हफ्ते नू बंद कर लेंदे, इतवार नू बंद कर लेंदे, ऐसे ऐसे अफसरान जिन्हों का ईमान ही कोई नहीं, पता ही नहीं कि अज मुकद्दस दिन जुमे का दिन सी, इस बात की एहतियात की जाती। बद दयानत लोग इन्हां अदारिया उत्ते मुसल्लत हो चुके ने, ना इस्लाम तो वाकिफ ने, ना इन्हां मुकद्दस दिनों तो वाकिफ ने। मिल के दुआए फरमाओ अल्लाह आदल तौहीद परस्त रासदबाज हुक्मरान अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह जलील हुक्मराना नू पाकिस्तान तो जलील करके निजात पाकिस्तान नू अता फरमाए। मेरे ते इन्ने जज्बात ने, मैं की कह सकना, अपने परवरदिगार कोलो दुआ कर, शर्म आनी चाहिए कि जुमे वाले दिन गुसल करना, नहाना, जुमे की तैयारी करनी, नमाज पढ़नी कितनी बड़ी नेकी है। उन्हें बदमजगी का मुजाहरा किया है, अल्लाह पाक ऐसे जड़ा वापटा दे उते मुसल्लत है उन्हें जलील फरमाए। अल्लाह कोई नेक मंदा इस अदारे नू अता फरमाए। इन्ना इन्ना लोगों के नाल पाकिस्तान मुसलमाना का मुल्क नहीं, भावें कोई देवबंदी है, अहले हदीस है, सारे ने जुमा पढ़ना है, बरेलवी होए सारे अल्लाह के करने, अल्लाह सारे अपने घर की हिफाजत फरमाए। बड़ी समझन की गल है, बड़ी समझन की। पुलिस है वह भी मुसलमान है, वापटाले ने वह भी मुसलमान ने, तो मुसलमानी का पता इन्ना गुए ए किसी परेशान करना, फिर सारे मुसलमान मुसलमान दे मुसलमान के छे हक ने, इन छे हकों उत्ते छुरियां चलाइया जा रही ने, तो पढ़ते कि ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, उंज मुसलमानी के दावे बड़े ने, दूजे नू परेशान करके ना तो राहत महसूस करते ने, राहत, अपना ईमान का बेड़ा खर कर रहे हो, राहत महसूस ना करो, अल्लाह दे हाँ जवाब दे होवोगे। वेखण बदमजगी फैलाई, हर मस्जिद के अंदर कुरान पढ़िया जाना सी, तिलावत होनी सी, लोगों तैयारी करके घरों आना सी, जड़े आए हो तवज्जो फरमाना, अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए, जड़े अहबाब अपने अपने घर ही परेशान, अल्लाह परेशानी दूर फरमाए। तो मैं बात अर्ज कर रहा सा कि कलमा पढ़ के कुल आमंतु बिल्लाह, अल्लाह ते ईमान लियाउण तो बाद सुम मस्तकिम, फिर की हो जाना बोलो, पक्या होना चाहिए, फिर पैरां विच तजलजल पैदा नहीं होना चाहिए। जिन्ना अपने घर छड़े सन सूरा काफ की नज़र वेखना, अपने मापे छड़े सन, कसूर की है, अपना ईमान बचाया, बोलो की बचाया, अल्लाह ते ईमान लियांदे ने मजबूत रहने। इशारा करना चाहना अल्लाह तुहानू मैनू इंज मजबूती अता फरमाए। दुख आते ही होंगे ने, परेशानियां आदियां ने, लेकिन जड़ा बंदा इस्तेकामत अख्तियार करता है ही कामयाब हो जाता है। और दूसरा इस सूरत का दर्द सुनना, सबर। अल्लाह पाक ने इत्थे दो चीज़ों का तुहानू हुक्म फरमाया, शुक्र करन दा ते बोलो सबर करन दा। ये दो चीज़ा जिन्हों नसीब हो जान, समझेगा इंशाल्लाह कि मैनू मेरा ईमान फायदा दे रहा है, मेरा ईमान मैनू फायदा दे रहा है। जिन्हों अल्लाह सबर की नेमत अता फरमाए, परेशानी दे आलम अंदर, दुख दे आलम दे अंदर, मुसीबत दे आलम दे अंदर सबर कर जांदा है। आरजी जिंदगी 50 साल होए, 70 साल होए, 80 साल होए गुजर जानी है, इंदा बहुता फिक्र पिया है। जिथे मौत नहीं आनी, हमेशा की जिंदगी है, उतों का कदी असा फिक्र नहीं किया, अल्लाह उतों की फिक्र अता फरमाए। तीसरी चीज इसे सूरत के अंदर, शुक्र बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र बोलो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सानू शुक्र अदा करन दी तौफीक नसीब फरमाए। ऐ सारे बैठे हो, कोई 1000 रुपया एक दिन में कमाण वाला बैठा है,
कोई 10,000 कोई 1,00,000 कोई 80,000 मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने तुहाड़ियां जरिया माश दियां तरीकेकार वजा कीते ने बनाए ने। कोई ज्यादा कमांदा कोई थोड़ा कमांदा गुजारा करदा ते की करना चाहिए शुक्र करना चाहिए। एक बात सुनना अगर गनी होना चाहते हो नबी पाक दी हदीस सुनना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी बनना चाहते हो अल्लाह ने जो तुहाडे नसीबां विच किस्मत विच लिखिया उंदे ते की हो जाओ राजी हो जाओ उंदे ते की हो जाओ अल्लाह दी तकसीम ते राजी हो। जदों होवोगे दूजे नाल किसी दूसरे नाल हसद छड़ दियो मेरे को थोड़ा क्यों है उंदे को बहुता क्यों है ये किन्ने दिता है। जदों ये अंदर आएगा हसद आया सऊदी अरब का एक वाक्य है जदों तुसी आ लोग आते जी कारोबार क्यों तबाह होए ने मैं दसा क्यों तबाह होंगे ने जदों बंदा दूजे वल नजरा रखता है अपनी तकसीम ते राजी जड़ी अल्लाह ने उन्हों दिती है नसीब ते राजी नहीं हुंदा फिर कारोबार तबाह नहीं होने सुकून बर्बाद नहीं होना बेचैनी नहीं होनी ते होर की होना है। सऊदी अरब का एक वाक्य है कि एक आदमी दुकान ते खड़ा है उन्दे कोल गाहक आया एक उन्हें सूट पसंद किया रेट भी तय हो गया रेट भी तय हो गया लेकिन उस दुकानदार ने की आख्या उन्हें आख्या एहो ही सूट एहो ही रेट और सामने दुकान वाला जाके उन्दे को ले लै मैं तेनों सूट देना उन्हें आख्या कि गल रेट भी तय हो गया चीज़ भी मैं पसंद कर ली है आंदा मैं सुबह दे कई सूट वेच के अपनी रोजी बच्चों की कमा ली उन्हें सुबह का एक भी दिता बात समझ आई। अज इन्हें जरब का मालिक कौन है अज परेशानियां क्यों ने साडा दीवा भले भावें सारिया का बुझ जाए जिंदा सोच ये होएगी जिंदी फिक्र ये होएगी कदी चैन हासिल कर सकता है। अल्लाह हसद को बचाए अल्लाह की तकसीम ते राजी हो जाओ अल्लाह तुहानू गनी कर देगा अपने नसीब ते खुश हो जाओ अपने अंदरों मुसलमान होवो अंदरों चेहरिया तो नहीं चाल ढाल तो नहीं अंदरों आवाज़ ऐसी होए है तो ऐसी मसनूई बनाइया ने दिलों को कौन जानता है। आइए हुण इस बात वल तज़किरा करना चाहना अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने वसालूना का अनसिल कर नहीं ऐ तुहाडे कोल सवाल करदे ने ज़ुलकरनैन दे बारे कुल सातलु अलैकुम मिनहु ज़िक्रा कुल कह दीजिए सुना दिए सात नू पढ़ो उनका हाल जड़ा अल्लाह अपने नबी नू दसन लगे ने और मेरे आका पढ़ के सुना लगे ने तकसीमा किंदियां ने ज़ुलकरनैन दे बारे मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने लिखे है एक माड़े जे घर ना ताल्लुक है गुमनामी की जिंदगी ज़ुलकरनैन बसर कर रहे ने ज़ुलकरनैन उन्हां दा लकीब है नाम मुहद्दिसीन ने बड़े लिखे ने लेकिन मैं कुरान दे ही अल्फाज उत्ते इतफाक करके तुहानू बात सुनाना चाहना जंगल बियाबान दे अंदर जिंदगी बसर कर रहे ने घर दे खानदान ने इन्हां नू खत्म करन दी कोशिश की थी ये लेकिन अल्लाह दियां तकसीमां उस जंगल बियाबान दे अंदर हाय लाचारी ते बेबसी दी जिंदगी नहीं अल्लाह दे सामने गुमनामी दी जिंदगी अल्लाह नाल ताल्लुक रखे बसर कर रहे ने ते अल्लाह पाक ने जंगलां दे विचों उठा के ज़ुल करने नू फारस हुक्मरान बना दिता है। दसो इसका कौन दिंदा ओए गुरबत तो अमीरी कौन दिंदा ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने वाया सवालू ना का अनसिल कर नहीं कुल सातलू अलैकुम मिन हो जिक्र इन्ना मकन्ना लहू फिल अर्दी व आतैनाहु मिन कुल शैन सबबा
अर्थात बादशाह बाबा ए कुरान ने तफसीर खींची है। अल्लाह फरमांदे ने असा सुर करना नु इक्तदार कुव्वत जमीन ते अता फरमाई, हर किस्म दा साजो समान भी दिता है, कोई कमी अल्लाह पाक ने नहीं रहन दीती। मुहद्दिसीन ने लिखे है चार हुक्मरान ऐस रूहे जमीन ते जिन्ना पूरी दुनिया ते हुक्मरानी कीती है, उन्ना विच दो काफर ने दो ईमान वाले ते मोमन ने, उन्ना विच काफर नमरूद शामिल है, हाय बहत बिन नसर ओ शामिल है, और जिन्ना सारी दुनिया ते हुक्मरानी कीती है सरे फहरिस्त हजरत सुलेमान अलैहि सलातो व सलाम ने, और दूसरा आदल रहम दिल तौहीद परस्त आदल हुक्मरान हजरत ज़ुलकरनैन ने। बाद मुफसरीन ने मुहद्दिसीन ने लिखा है ये नबी सन, बल्कि ज्यादा मुहद्दिसीन दा इत्तेफाक है, अल्लाह दे नेक बंदे ते अल्लाह दे इबादत गुजार बंदे सन। अल्लाह पाक जिन्हों असमतां अता फरमाना चाहे, आइए सुनना ते अनल हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल है कि अल्लाह दे वली सन ज़ुलकरनैन, अल्लाह जिथे लेटे ने अपनिया अल्लाह रहमत नाजल फरमाए। ज़ुलकरनैन इन्हां नूं क्यों आखिया जांदा है, ये जड़ी सिर ते टोपी पांदे सन। बाद ने लिखिया इन्हां दे सारू ते दो सिंग सन, या इन्हां दियां दो जुल्फां सन, या दो इत्थे मत्थे दे निशान सन, जिन्हां दी वजह तो ज़ुलकरनैन आखिया जांदा है। आइए जरा सुनना ते अनल अल्लाह पाक ने फारस ते रूम दा बादशाह बनाया, नाल अल्लाह पाक ने कुव्वत हर चीज अता फरमाई है, इक्तदार अता फरमाया। इन्हों का पहला सफर होया किधर नू, हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदा तगरुब फी ऐनिन हमियत। अल्लाह दे कुरान ने जिक्र फरमाया पहला सफर इन्हें मगरब वल किया जिथे सूरज गरूब हो रहा है, इन्हें सफर उथे किया वेख्या की है ये जड़ा सूरज है गुरूब हों। ज़ुलकरनैन ने करीब जाके वेखे उथे एक कौम ऐसा पाए, उस कौम जड़ी है उनके बारे अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुल ना या ज़ल कर नहीं इम्मा अन तू असीबात व इम्मा अन तत्ताहिदा फीहिम हुसना। ज़ुलकरनैन अल्लाह कह रहे ने, कौन कह रहे ने, ज़ुलकरनैन इन्हों नू अजाब देवो जा इन्हों नाल चंगा सलूक करो, ऐसी कौम नू पाए। ते हज़रत ज़ुलकरनैन की आंदे ने, काल अम्मा मन सलामा फसौ फानु असीबू सुम्मा युरदू इला रब्बी फायु असीबू अज़ाबन नुकरा। उस कौम नू मुखातब होके आंदे ने, अगर जुलम करोगे मैं की करांगा, सजा देवांगा, मैं भी देवांगा, फिर अगो अल्लाह तुहाडा ते अल्लाह दा मुआमला है, अल्लाह भी तुहानू यकीन सहत अजाब देवेगा। लेकिन नाल आदल बादशाह ज़ुलकरनैन रहम दिल तौहीद परस्त की आंदा, वा अम्मा मन आमन वामिला सालिहल फलाहू जज़ावन लहुसनात वा सनाकुल लहू मिन अमरिना युसरा। सालिहन जड़ा काम चंगा करेगा ईमान ले आएगा उनु अजर भी बोलो। वसाना कुल लहू मिन अमरिना युसरा, मैं उनु ओ अहकाम दसांगा आसानी वाले, मेरे वास्ते भी आसानी, तुहाड़ी जिहड़ी चंगे काम करिए अजर दुनिया ते भी चंगा मिलदा ते आखरत ते भी बोलो। अच्छा सलूक कीता उस कौम नाल
कि अगर जुलम करोगे सजा देवांगा। अल्लाह जुलम तो बचाए, ऐ जमण कैम हुंदे, अल्लाह इज्जता हुक्मरान अता फरमाए। ते वाम्मा मन आमना व आमिला सालिहन फलाहु जजानिल हुस्ना व सनकूलु लहु मिन अमरिना युसरा। मेरे वास्ते आसानी पैदा करना, मैं तुहानू ओ अहकाम दसांगा जड़े आसानी नाल तुसी अदा कर सको, उन्हां ते अमल पैरा हो सको। हजरत ज़ुलकरनैन रहमतुल्लाह अल्लाह दा वली ये सफर किधर करदा? मगरब वल। बोलो पहला सफर किधर कीता है? मगरब वल। सूरे नूं गरूब हुंदिया वेख्या, दल दल अंदर पानी दे चश्मे अंदर गरूब हो रहा है, अल्लाह दे हुक्म दे आर्डर दे नाल। ते उथों दी कौम नूं जुलम दी सजा दिती है, नेकी दी जजा दिती है, और उन्हां नूं अहकाम दसे ने जिन्हां विच आसानी नाल अमल पैरा होया जा रहा होया जाए। सुम्मा अतबा सबाबा, फिर अल्लाह फरमांदे ने दूजा सफर, हता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सि वजदहा ततलू अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। दूजा सफर किधर कीता है? जिधरों सूरज तलू हुंदे, मशरक दा सफर। केड़ा सफर? मशरक ते मगरब तो दो सफर आ, दूसरा सफर होया है उथे उस कौम नूं पाया जिन्ना नूं अल्लाह ने सूरज को बचण वास्ते कोई आड़ नहीं दिती। यानी उथे जिहड़ी कौम रहिंदी है ना, वह लिबास नहीं पाती सूरज की, इन्नी तपश है, अल्लाह इन्दी तपश तो बचाए। दुनिया की बात हो रही है, जिहड़ी उथे कौम रहिंदी है कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर जिंदगी बसर करती है। और वह कौम जब सूरज दे निकलन का टाइम होंद, छपड़ा अंदर गारे अंदर पानी अंदर छुप जाती है। मशरक तो मगरब, मगरब तो मशरक ज़ुलकरनैन ने सफर किया रहमतुल्लाह अलैह ने। ते अल्लाह पाक ने की आखिया, देखो हर चीज का अहाता और हर चीज का इलम कुल्ली किंदे कोले, असल बात समझण वाली ये वे अज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदई है खुबरा। मेरे आका ने बयान किया, अल्लाह पाक ने बजरिया वही दसिया ते फरमाया इसे तरह ही है, कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदई। ये बात सुनवाली है, ये याद रखना। ते अल्लाह फरमाते ने जो कुछ ज़ुलकरनैन कर रहे सन उन्दे तो बाखबर कौन है? कोई चीज अल्लाह दे इलम तो बार हुण तुहाडे बोलन दा टाइम है, बोलो कोई चीज अल्लाह दे इलम तो बार, फिर बोलो अल्लाह दे इलम तो बार कोई जर्रा कोई पत्ता कोई हाय हवा दी उड़न वाली चीज होए, सहरा दी होए, पानिया दी होए, खुशकियां दी होए, तरिया दी होए, कोई भी अल्लाह वाला जड़ी चाल चलद या गुनागार बंदा चलद केड़ी दी चाल तो भी कौन वाकफ है। लो कुरान सुनना, वाइंदाहु मफातिहुल गैबी ला यालमुहा इल्लाहु वयालमु मा फिल बर्री वल बहरी वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमाति मातिल अर्दी वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान समझ आ रहा? सारे गैब दिया खजाने दिया कुंजियां किंदे कोले, ते जड़ा जाके पुछ दे कलमा पढ़ लिया ला इलाहा। ओए असल सूरा काफ सुनन दा मकसद एवे तुहाडे ईमान ठीक होन। ज़ुलकरनैन दी हर अदा तो कौन बा खबर सी? मशरक तो मगरब सफर किन्ने कराए? ओ साजो समान किन्ने मुहैया फरमाए? एक काम भी हजरत ज़ुलकरनैन ने अल्लाह दे आर्डर तो अल्लाह दे हुक्म तो बगैर कीता? ए दावते तो ही दे
हाले भी तो ही समझ ना आए तो फिर मुकद्दर ही माड़े ने ना कि सारिया गैब दिया खबरां किंदे खोलने नहीं समझ आई। ए ते सुल करनैन ने उनिया पारा निकलन लगे कि नवा पारा तुसी अपने जिम्मे गल लवो मेरे वाल ध्यान फरमाओ तुहाडी भी जिम्मेदारी है जिथे बवो कोई आखे ना मेरे नाल की हो गया जां मैनू किसे ने की कर दिता है फलाने कोल टेवा लवाओ जी ये सही है बोलो ओए उन्हूं किवें पता है कोई गैब अल्लाह तो इलावा जानदा उल्लू दा खून लियाओ जी फाइल फाइल कढ़ो जी ए मेरी किताब वेखो जी ए मेरे हथां दियां लकीरां वेखो जी मेरा कल वेखो जी मेरा परसों वेखो जी और जिथे ज़ुल्करनैन अल्लाह दा वली होए मशरक तो मगरब सफर करे अल्लाह उंदी हर अदा तो वाकिफ होण ते ज़ुल्करनैन नूं भी पता नहीं जो अल्लाह ना दसे पता मैं पिछे लैके जाना चाहना अज दा जुमा सुनना अपने सीने ते लिखना ईमान अपना मजबूत करना कल तुहाडे नाल की हो जाना पता है तुहानू कल मेरे नाल की हो जाना कोई पता नहीं औलाद होई है पता नहीं जवान होनी है कि नहीं इन्हां दियां मैं शादियां करनियां ने कि नहीं फिर इधर उधर पूछण दी लोड़ कांदी है पहलों इकियां पारा सुनना उन्नीए पारे वल फिर मैं तुहानू ले आना चाहना वा इन अल्लाह इंदहु इल्म सावती वायुनज़िलुल गैस वयालमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सु माज़ा तकसिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बियये अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। तुसी बोलो क्यामत कदों होनी है कौन जानदा है बारिश कदों नाजल होनी है कौन जानदा है और दसो ना मां दे पेट अंदर बेटा या बेटी है कौन जानदा है कल तुहाडे नाल की हो जाना है कौन जानदा तुहानू मैनू मौत किस मुकाम ते आउणी है कौन जानदा अगर तुहानू मैनू पता होए इत्थों बाहर निकलदिया मौत आ जानी है कोई ना जाए अगर मां बाप दे पेट वे की है पता लग जाए कोई बच्चा होण ही ना देवे नेक होना के बद होना है बारिश कदों होनी है फसलां लोग अपनियां पहलों ही उठा लैन अपनियां चीज़ां पहलों ही उठा लैन पता नहीं बदल चढ़े है कई वरा गुजर जांदा कई वस पैंदा है सारियां खबरां किंदे कोल ने ओ बोलो बोलो आवाज नाल बोलो ओ किसे नु कोई पता नहीं कयामत कदों आउणी है इंज बदल चढ़दा लोग अपने बिस्तरे समेटदे ने बरामदियां विच अंदरां विच रख लैंदे ने ते बदल गुजर जांदा है बारिश नहीं हुंदी ए किंदे इलम अंदर बाते हाले भी लोगां दे लूज अकीदे कमजोर अकीदे ने हथ वखाण दी लोड़ अपने ईमान का बेड़ा घर करना अपन किस्मत के हाल पुछना है अल्लाह सुल जलाल की कसम जिंदे कोलो पुछना है वह भी जानदा अटकल पचू तो लगा सकता ना तेनू परेशानी में मुबतला कर सकता है तेनू वह में मुबतला कर तेरे ते किसी ने किया दसदा क्यों नहीं ये कद एडा कोई रंग इंजद अदावान दसद ईमान का बेड़ा खर्क न करो और नसीबा का मालिक अल्लाह नफे नुकसान दा मालिक भी अल्लाह ईमान मजबूत फरमाए हर चीज दा इलम अल्लाह दे कोले उन कुरान दा उनिया पारा वाता फका दा त्वईर फकाल माल अलवारल हुद हुद हम कान मिनल गायबीन लाउ असिबन्नहु असाबन शदीदन औलाज बन्नहु औलायात यन्नी विसुलतान मुबीन नबी सुलेमान दे नाम तो जानदे हो जाके बैठना हवावां ते फजावां ते
जिन भी ताबे ने अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी है, बाद विचों किसी बादशाह नबी नू ऐसी हुकूमत नहीं दी जड़ी सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू अता फरमाई है। इंज नजर पईआं ने हुद हुद बोलो आंदे ने बाबियां दियां बिल्लियां भी गैब जान दियां ने, यह बिल्ली ने म्याऊं छे वरा कीते ते परौने किन्ने आ गए ने, पंज आ गए ने, कैसे मसले बनाए ने, जुमिया च बयान किए जाते ने, छे वरा म्याऊं कीता मेहमान पंज आए ने, छेवीं वरा क्यों नहीं कीता, नाल भाभी आ गया। जड़ी बिल्ली भोली जाए भाभी कोलो डारी जाए, और बिल्लियां कोलो डरने वालो बिल्ली किन्ने पैदा फरमाई है, जाके दिल नू हाजिर करके बैठना। बड़े कमजोर ईमान ने, बड़े कमजोर, पता किन्ना कु कई बंदियां दे जिंदगियां लंघियां ने, जुमे पढ़दियां नमाजा पढ़दियां, और रजब दा महीना चढ़िया जी, पहली रजब दा रोजा है वे, ये लोग मसले पूछ रहे हैं, पहली रजब दा रोजा, कल तारीख गुजरी है, चंद की तारीख किन्नी है अज, 13 के कल 13 सी, 13 तारीख नु मलूते काबा दे नाम ते जश्न मनाया गया है। इस्लाम दे अंदर अजाफ है, अल्लाह सुल जलाल दी कसम है, जेड़ा जश्न जिस लफज दा ताल्लुक इस्लाम ना नहीं ओ मनान ना नेकी मिल सकती। हजरत अली तो करोड़ जाना वार दिया, आए अपना माल मता कुर्बान कर दिया, अली रजी अल्लाह ताला अहले हदीसा दे भी अली, देवबंदियां दे भी अली, बरेलविया दे भी अली, हर मुसलमान जड़ा मोमन है अली नाल प्यार है कि नहीं, प्यारे अली दी जिंदगी गुजरी, अपनी विलादत का जश्न मनाया, जड़ा तरीका प्यारे अली को नहीं मिलता, नबी पाक को नहीं मिलता, उन्दे ते अमल करिए सवाब होएगा। लोगों ने अपने अपने मसले बनाए ने, एक ईद दे जश्न दे खिलाफ ही हुण नवा जश्न, हर दा जश्न ही मनाना शुरू कर दे, पता नहीं कि इन्हां दी मंतक है, किरे लिखा शेरे खुदा की बेटी का मातम, किरे लिखा जश्न जहूर जहूर पुर नूर, मलूदे काबा का जश्न मनाया जा रहा है, इनिया खराफात ने। अल्लाह कयामत वाले दिन, अल्लाह कयामत वाले दिन इतने जैनवर अमल करोगे तो कयामत वाले दिन हौज़े कौसर का पानी मिलना है, वरना जिन्ना बिदआत कीतियां ने उन्हां दा कोई मुल भी पवेगा कोई। तेरा आ यकम रजब का रोज़ा नहीं, तेरा रजब का कोई रोज़ा नहीं, मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नू हुई है 27 रजब दा रोज़ा मेरे आका ने रखिया, बीबियां अंदर बड़ी कमजोरी एवं अमल कर दिया फिर दिया ने, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। कुरान पढ़न का मकसद की है, हदीस पढ़न का मकसद की है, हासिल कीजिए। आइए हुण सुनना के गैब अल्लाह तो इलावा कोई जानदा, ते अल्लाह दे इलम तो कोई चीज बार भी, ये भी अकीदा रखना है। नबी सुलेमान नू हुकूमत बड़ी मिली है, कह लगे मैनू हुद हुद नजर, ते अल्लाह दी अख तो कोई चीज छुप सकती, नबियां दा वलियां दा नेकां दा मुकाम वालियां दा ते परवरदिगार दा फर्क है वे, अल्लाह दे इलम दे अंदर, अल्लाह की ताकत दे अंदर, अल्लाह की कुव्वत दे अंदर कोई शरीक हो सकता। प्यारे ज़ुल्करनैन टुरे ने सुन्ना ते आन लले, तीसरा सवर सुम्मा अतबा साबाबा अता इदा बालागा बैन सद्दैनी वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून कौला। तीसरा सफर अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया, शमाल वल कीते सफर तय करदे करदे ऐसी कौम कोल पहुंचे ने, जड़ी कौम दी जुबान ज़ुल्करनैन नहीं समझदे, वो ज़ुल्करनैन दी जुबान नहीं समझ,
समझ दे। हुण याद रखना सारियां सुबाना कौन समझदा है, सारियां सुबाना कौन जानदा है। इस कौम नाल जदों विच इक राहब लैके गल कीती गई है, तर्जमान ने उधरों उधरों दस्या ये कौम आंदी कि कालू या सल करना ही नहीं, इन्ना या जूजा वमा जूजा मुफसिदू न फिल अर्दी। ऐ ज़ुलकरनैन, ऐ पहाड़ा दे दो पहाड़ा दे दरम्यान की गल हो रही है, इन खला दे अंदर कौम दो रहिंदियां ने, इनू या जूज ते माजू ये दो कौम रहिंदियां ने, ये बड़िया फसादी ने, इन्हें सानू बड़ा परेशान किया। कुरान मैं तेरी असमत तो कुर्बान जावा, कुरान दा सोलवा पारा सूरत दा नां सूरा काफे, कालू या जल करनैनी इन्ना या जूजा व माजूजा मुफसिदूना फिल अर्दी, मुफसिदूना फिल अर्दी। ए फसादी कौम, ए कौम नू परेशान करन वाली, कुरान दी जुबानी सुनना इन्ना परेशान सानू बड़ा कीता है। हजरत ज़ुलकरनैन नाल गल हुंदी है, कालू या जल कर नहीं इन्ना या जूजा व माजूजा मुफसिदू न फिल अर्दी, फहल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। आंदे ने ज़ुलकरनैन इन्हां दे साडे दरमियान दीवार कर देवो, इनू खला नू पुर कर दियो, असीं टैक्स देण नू तैयार हाँ, माल देण नू तैयार हाँ। ते रहमदिल बादशाह हुकमरान की आंदा है, अल्लाह इंज दा हुकमरान अता फरमाए, काला मा मकनी फी रब्बी खैरुन फाईनूनी बिकुवतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम दुमार। आतूनी जुबर हदीद हत्ता इजा सावा बैन सदफैनी कालन फुहू हत्ता इजा जालहू नारन काला आतूनी उफरिग अलैहि कितरा फमस्ताऊ यदहरू वमस्तताऊ लहू नकबा। प्यारे ज़ुलकरनैन कहिंदे ने तुहाडे माल दी मैनू लोड़ नहीं, अल्लाह ने मैनू वाफर दिता है। अल्लाह ने कई हुक्मरान आते ने मैं माल कट लवान, गरीबां दा खून चूस लवान, ज़ुलकरनैन दी हुक्मरानी तो कुर्बान जावा। कहन लगे तुहाडे माल दी मैनू लोड़ नहीं, अल्लाह ने मैनू काला मा मकनी फी रबी खैरुन, अल्लाह ने मैनू बेहतर अता फरमाया, तुसी जसमानी कुवत नाल मेरे नाल तामल करो, मैं इंशाल्लाह इस दीवार नू कर देंगा खला नू पुर। बोलो आतूनी जुबर अल हदीद, लोहे दे तख्ते ले आओ, लोहे दियां चादरां ले आओ। उन्हां चादरां नूं लियांदा गया, दो पहाड़ ने, किन्ने पहाड़ जिन्हां विच खलाए याजूज ते माजूज उत्थे रहिंदे ने, जिन्हां दी वजह तो यह कौम परेशान है। अल्लाह याजूज ते माजूज दे फितने कोलों बचाए। आइए इत्थे मसले सुनने वाले ने याद रखना, हजरत ज़ुलकरनैन ने इन्हों को लोहे दियां चादरां मंगवाइया, उन्होंने गर्म किया गया, अग पैगलाई गई, वो दीवारा हो रही ने। इन्हों की जसमानी कुवत लई है, नाल मिल के फिर तांबा पिघला के इस खला नू पुर कर दिता है। होने दे उत्ते भी चढ़ सकदे, इन्दे विच नकब भी लगा सकदे, उत्ते भी नहीं चढ़ सकदे, लकम भी नहीं, तोड़ भी नहीं सकदे। ते प्यारे ज़ुलकरनैन आंदे कि ने काम करन तो बाद, ऐ जड़ा दीवार वाला काम करन तो बाद जड़े अल्फाज बोले ने सुनना, काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी। ए किंदी रहमत है, जदों कोई काम पाया तकमील तक पहुंच जाए ते शुक्र किंदा अदा करना चाहिए।
जो बंदा शुक्र अदा कर दे अल्लाह दे वलिया की करामत बर हक नबिया दे मोजज़ात बर हक ने ताकत किंदी कार फरमाए जड़ा लोग नाम छुपांदे ने तुसी दिंदा करो ताकत किंदी कार फरमाए ताला हाजा रहमतुम मिर रब्बी ए अल्लाह दी रहमत है फाइजा जा रब्बी काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी फाइजा जा वादु रब्बी जा आलाहू दक्का प्यारे ज़ुल्करनैन कहिंदे ने ए अल्लाह दी दे दीवार कर दीती है पर एक वेला आने अल्लाह ने इस दीवार नू रेजा रेजा कर देना है वकान वादु रब्बी हका हुण इधर वाले हो इधर वाले हो बार सेन वाले हो अल्लाह दे वादे सच्चे ने जमीन बनी है अल्लाह ने नू तोड़ देना आसमान बने ने अल्लाह ने इन्हां नू तोड़ देना सूरज बने चन्न बने आ पहाड़ ने वकाना वादु रब्बी अल्लाह दा वादा सच्चा जे काला हादा रहमतुम मिर रब्बी फाइदा जा वादु रब्बी जालाहू दका एक वेला उन्हें खेरे सारे दा हो जानिए वो जिमें जवानी आँदी है फिर बुढ़ापा आँदा ते मौत आनी आनी है ये हमेशा नीचे रहनी आ इत्थे गौर करिया जे ऐस बड़ी सुन वाली है अल्लाह दी रहमत ज़ुल्करनैन कह रहे ने ये दीवार जड़ी हुई है तेरे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रोज आ गया जूज ते माजूज इनू तोड़न की कोशिश करते ने रोजाना इनू तोड़न की कोशिश करते ने इन्हों थोड़ी जी रोशनी नजर आती है तो वापस चले जाते ने आते ने कल आके तोड़ांगे लेकिन कुरबे कयाम जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा नज़ूल हो जाएगा हजरत ईसा दुनिया ते आ जाणगे उन्हां दा आसमान ते जाना भी बरहागे उन्हां दा नज़ूल भी बरहागे दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे मीनार ते उतरणगे असर दी नमाज़ दा टाइम होएगा दज्जाल नूं आके हाए बनी इसराइल दा जड़ा एयरपोर्ट है उत्थे कतल भी कर देंगे ये कुरबे क़यामत निशानियां विचों अल्लाह दे वादे सच्चियां दे विचों वादे जे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा ज़ुहूर हो चुकिया होएगा ये दरिया जूज ते माजूज रोज दवार नू तोड़ दे आखन दे इनशाला जिदन इनशाला आखनगे उनकी बरकत नाल उस तो अगले दिन ये दीवार टुट जाएगी ये दौड़ के आउणगे पहाड़ा तो आउणगे तेजी नल आउणगे वकान वादु रब्बी हका अल्लाह दा वादा सच्चा छे ओ लोगो ये जदो दौड़ के आउणगे प्यारे ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने मनन वालियां नू इन्हां दा क्योंकि मुकाबला कोई कौम भी नहीं कर सकती अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक अल्लाह दे आर्डर दे मुताबिक अपने मनन वालियां नू कोहे तूर ते लैके चले जाणगे याजूज माजूज जदों आउणगे जमीन दा सारा पानी पी जाणगे फसाद बरपा कर देणगे रूहे जमीन ते इन्ने गालब आ जाणगे एक फीसद इंसान ने नौ फीसद एने एक फीसद इंसान ने नौ फीसद याजूज ते माजूज ने आइए हुण सुन्ना ते आन लले ए आसमान वल तीरां दी बारिश करनगे ओ तीर अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक खून आलूद होके जमीन ते गिरदे जाणगे याजूज ते माजूज आखणगे असीं दुनिया ते भी सारिआं दा खात्मा कर दित्ता है आसमान ते भी सारिआं दा खात्मा कर दित्ता है फिर प्यारे ईसा अल्लाह कोलों दुआ करनगे अल्लाह जी इन्हां तों निजात दे देवो इन्हां दी गर्दन ते इक कीड़ा पैदा होएगा उंदी वजह तो याजूज ते माजूज सारे हलाक हो जाणगे ऐ जमीन ते बड़ी बदबू
शुरू होएगी, बड़ी इन्हां दी वजह तो घुटन पैदा हो जाएगी। फिर अल्लाह को प्यारे ईसा दुआ फरमा रहे ने, अल्लाह परिंदे भेजन गे इन्हों उठा के जिथे अल्लाह का आर्डर ते हुक्म होएगा, इन्हों उठा के फेंक देंगे, लेकिन जमीन गंदली होएगी। प्यारे ईसा दुआ करन दे बारिश दी किंदे कोलो मूसलाधार बारिश होएगी, ऐ जमीन धुप जाएगी। आ जमीन बारिश रहमत होंगी जे रहमत, ऐ जमीन धुप जाएगी, फसलात उग पैनगियां, अनाज वादू हो जाएंगे। प्यारे ईसा दी हुक्मरानी होएगी, एक अनार दा दाना सुनना एक बंदा ने पूरा खानदान भी खाएगा, उनके वास्ते काफी हो जाएगा। वो अनार इतना बड़ा होएगा, उनके छिलके दी लोग अपने सर ते छतड़ी बना लेंगे। एक भैंस दे दुध दी मकदार इन्नी होएगी, सारे घर दे पीणगे दुध मुकेगा नहीं। बकरी का दुध इन्ना वाफर होएगा, सारे पीणगे मुकेगा नहीं। ये रहमतां अल्लाह ने फरमा दित्तियां ने, प्यारे ईसा अपनी जिंदगी दे दिन मुकम्मल करनगे। अल्लाह प्यारे ईसा नूं हाय हज ते उमरे दी वी तौफीक देणगे, हज भी करनगे उमरा भी करनगे, और मदीने आके उन्हां नूं मौत दा पैगाम भी आएगा। उन्हां दी कबर मुबारक नबी पाक दी कबर नाल बनेगी। बोलो नबी पाक दी कबर नाल बनेगी। अल्लाह ने साबता बनाया, कुल मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तुहाडे विच इन्ना जोर है, बोलो हमेशा कौन जिंदा रहेगा? कोई नहीं होएगा। उदो कौन होएगा जदो कोई नहीं सी, उदो भी कौन सी? वादे किंदे सच्चे ने, वादे किंदे सच्चे ने, अज क्यों भुले हैं? अगलियां आयतां सुन, सूरा काफ दियां, वाता रगना बाजुहुम वाता रगना बाजुहुम अला बाजिन। अल्लाह फरमांदे ने सुन जरा कुरान ते फैसला फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने फिर ऐसा वेला आएगा, इन्हां सारियां नूं इकट्ठियां कीता जाएगा। कुरान मैं तेरी असमत तो कुर्बान जावा, काला हाजा रहमतुम रबी फाइदा जावा वादू रबी जालाहु धक्का वकाना वादू रबी हक्का वतारकना बाजहुमाला बाजिन। अल्लाह फरमांदे ने फिर इन्हां सारियां नूं मैं कठिया करांगा। ये सारे कठे किंदे दरबार विच होणगे? जिंदा यकीन बोले ओ किथे कठे होंगे? वाता रखना बाज़हुम यौमाइज़ी यमूजुन। आज केड़ा दिन? उची बोलो, उची बोलो। हाँ भला, ते क़यामत किदण आउणी है? किन्ना कु फिकर है, कईआं ने सारे काम जुमे ते रखे ने, वाह वाह वेला दिन लभे। को पता है किस जुमे क़यामत आउणी है? पता है? यौमाइज़न यौम किनू आंदे ने? दिन नू आंदे ने वाता रगना बाज़हुम यौमाइज़ी यमूजु फी बाज़िन व नुफिखा फी सूरी फजमानाहुम जमा। अल्लाह फरमांदे ने दौड़न गे जिन भी इंसान भी किंदे वाल मैदाने मैशर जड़ा है। अल्लाह आ सारिया नू अपने वाल इकट्ठिया करेगा। वो दिन आना के नहीं? वाता रखना बाज़हुम यौमाइज़ी यमूजु फी बाज़िन व नुफिखा फी सूरी फजमानाहुम जमा। ये केड़ी सूरत है? सारे बोलो। हाँ, सारे नहीं बोले, सारे बोलेगो तो मगे अल्लाह वास्ते बोलो। केड़ी सूरत है? सपारा सोलवा। ओ दिन आना अल्लाह ने सारिया नूं इकट्ठिया करना के नहीं? वा नूफी का फिर सूर, जद सूर फूकी जाएगी तो की होएगा?
जमीन बोलो जमीन हिलेगी हुलारे खाएगी या हिली है ना कुछ भी नहीं। इसा सुल जिला तिल अर्जु जिल जाला वाखरा जा तिल अर्जु इन दे विचों बोझ कौन बार कटेगा ओ बोझ केड़े ने ओ केड़े बोझ ने बार वाले हो इधर ध्यान करो नसीबा वाले हो ध्यान करो जुमा पढ़ना वाले हो ध्यान करो पाता रहना जान सूरा काफे इधर सूरा जिलजाल है जड़ी एक दफा पढ़िए कुरान दा अद्धा पढ़न दा सवाब मिल जाता है। इजा सुल जिला पढ़ो है मेरे नाल इजा सुल जिला तिल अरजु जिल जाला जमीन हिलेगी इनू कौन हिलाएगा ए हिले हाँ असि इन अपने पैरों ने डक सकने हाँ ओए उत्ते आकड़ आकड़ के चलने वालो ताकतां ते मान करने वाला आज आंदा मैं कुछ भी नहीं समझदा ना मैं मौलवियों की गल मानना ना मैं मस्जिद दा वाल जाण वर्दी मैनू जरूरत है ना मैं किसी की गल सुनना जे दल अल्लाह सुनाएगा। इजा जुल सिला तिल अर्जु जिल जाला लैट बंद परेशानी कौन दूर कर दे ते तुसी कुरान पढ़ के परेशानी दूर सारे पढ़ो हाँ इजा सुल जिला तिल अर्जु वाखरा जा तिल अर्जु अस काला नपया चे किदे दा दादा दादी बेटा बेटी रिश्तेदार अजीज वकार मालो मता खजाने कई छतां ते मकान गिर जांदे ने कई बस्सियां नूं लाणे मिलिया मेट कीता ए सारियां चीज़ां बार आउणियां ने के नहीं। इज़ा सुल सिला तिल अर्जु सिल सालाहात वा अखराजा तिल अर्जु अस कालाहात वा काल इंसानु मालाहा यौमा इज़िन तु हदीसु यौमा ओ लफ्ज़ां वल गौर करना चे वा तारकना बाज़हुम अला बाज़िन उथे पीछे वाता रगना बाजा हूं यौमा इज़िन इथे आया यौमा इज़िन तू हदीसु अखबारा उस दिन जमीन की खबरां बयान करेगी कौन बयान करेगी और जियो सुनने वालो समा टेलीविजन दिया खबरा सुनने वालो एक दिन जमीन खबरा बयान करेगी और इनू किन्ने हुक्म दिता होएगा। आज जमीन ते चल के जो मर्जी कर दे फिरने अखां बंद कीतियां ने कन्ना ते पट्टियां आ गईयां ने मैं अपने कोलों अल्लाह सुल जलाल दी कसम जे एक गल भी नहीं कर रहा है कुरान खोल के मैं तेनू वखांदा भी जा रहा वा कुरान दा सोलवां पारा ही सूरत काफ दा यारवर को खत्म होन लगाई वाता रखना बाजा हूं वतारकना बाज़हुम यौमा इज़िन यमूजु फी बाज़िहुम वनुफिगा फिस्सूरी फजमानाहुम जमात वअरज़ना जहन्नमा यौमा इज़िन लिल काफिरीना अर्ज़ा के सुनना वअरज़ना जहन्नमा यौमा इज़िन यौमा इज़िन यौमा इज़िन एक दिला होने जिदन जहन्नमी काफर लोगां दे जहन्नम सामने होएगी जहन्नम काफर लोगां दे आ जांदा वेखी जाएगी आ जांदे हो ना पढ़ लवांगे नमाज़ां बड़ी देर पई है ओ केडियां कु डेरां पईयां ने पिछे सुनिया जे को पता कल दा पता नहीं एक लम्हे दा पता बोल दे नहीं जे एक सकिंड दा पता एक मिंट दा पता अल्लाह फरमांदे ने सूर फूकी जाएगी इन्हां नूं इकट्ठियां कीता जाएगा दर्जनों कुरान दियां आयात ने लेकिन जुमे दे टाइम दी
है मुख्तसर होने की वजह तो इन्ना आयात वाली गौर कर लो। या यूहन्ना सुत्तकू रब्बकुम इन्ना सलसलत सौती शैउन अज़ीम यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला व तरन्नासु सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। उस दिन तो डरो, अल्लाह तो डरो, जिस दिन जमीन बड़ा वड्डा दिन होएगा यौमा यौमा यौमा, जिस दिन जमीन हिलेगी, जमीन काबू विच नहीं होएगी, ते हमल वालियां मादा दे हमल ही गिर जाएंगे। बाद ने ते तफसीर भला की कीती है कि जदों अल्लाह पाक फरमान गए बनी आदम अलैहिस सलाम नू 999 किन्ने 900 सारे बोलो 900 जहन्नम वास्ते कड्डो ते एक सहाबा ने गल सुनी तेरे ते मेरे दिल पता नहीं किन्ने गुस्सात ने सहाबा दे चेहरियां दे रंग ही मुतगैयर हो गए ने उड गए ने चीखा निकल गई ने सोलिया नबिया की बनेगा 999 जहन्नम वास्ते ते एक जन्नत वास्ते। ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कह लगे 999 याजूज मजूज विचों होंगे। ते मेरे सहाबा परेशान ना होवो, मैनू उम्मीद है मेरी उम्मत चौथे हिस्से विच जन्नत विच जाएगी। या निसफ मेरी उम्मत जन्नत विच जाएगी। वाह सोनिया नबिया जिथे लेटे तेरी कबर ते अल्लाह रहमतां ते सलामां दियां बारिशां पावे। आमीन कह दियो। वा नबिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओए बोलो बोलो, ओ तेरा ते मेरा नबी ओ दिन बोलेगा जिदन कोई नहीं बोलेगा, आमिना दा लाल बोलेगा ते आखेगा कि रब्बी उम्माती। जिन्ना जोर च आखोआ सुभान अल्लाह, जिन्हों काली कमली वाले नाल सच्चा प्यार है, आप नाल सच्ची मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मुहम्मद दी उम्मत दा बेड़ा पार होवेगा। आखो इंशाल्लाह रब्बी उम्माती आखो सारे रब्बी उम्माती। मेरे आका कहणगे भाई हर कोई नबी आखेगा रब्बे नफसी, हर एक नूं अपनी अपनी पई होएगी। आमिना दा लाल सजदे विच बह के तेरे मेरे वास्ते कह रहे ने रब्बे उम्माती। ऐसे नबी ते करोड़ा सलाम होन। एडी ठंडी आमीन, एडी ठंडी आमीन। ऐसे नबी ते करोड़ा सलाम होल, ऐसे नबी ते करोड़ा रहमता होल। मेरा सोना नबी किरे गारा विच रोंदा, मेरा सोना नबी किरे मैदाना विच रोंदा, मेरा सोना नबी कदी अद्धी रात मुसलियां ते रोंदा। ओ मेरा नबी उधर रब सामने भी सजदे पै के आखेगा रब्बे उम्माती। मेरे आका फरमाते ने काला बैल हो ना, काला बैल उनके उत्ते चंद वाल सफेद होन, इंज मेरी उम्मत होएगी। जा मेरे आका फरमाते ने चिट्टा बैल होए चंद काले बाल होंगे। आना नबी नाल सचियां मुहब्बतां पा लै, कुरान नाल सचियां मुहब्बतां पा लै। अगली आयत वाल गौर कर, अल्लाह फरमाते ने वा आरसना जहन्नम यौमा इज़
लिल काफिरीन अर्ज़ा अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीउन समा। मैं जुमा खत्म कर लगा वा रुकू यारवा खत्म हो लगाई। अल्लाह फरमाते ने इत्थे रह के कईयां दे अखां ते मेरे जिक्र वालों पड़दा पिया है, कईयां दे कन्नां ते सुनदे ही नहीं, अज अखां नाल वेंदे ही नहीं। ना नमाज की परवाह है, ना अज़ान की परवाह है, ना जुमे की परवाह है, ना कदे खौफो खतर हया अपने दिल में आंदा है, ना कदे कुरान खोले है, ना कदी हदीस सुनी है। अपने अखां दे परदे दूर कर लो वरना वो दिन परदे खुल जाएंगे, जहन्नम सामने आ जाएगी, वो दिन किसी की पेश नहीं चे जानी। अज अल्लाह ने तेनू सेहत दी है, क्यों अपनी अखां दे परदे पाने। अल्लाह दी ना कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री। अज वादा करो हर जुमे सूरा काफ तर्जमे नाल पढ़ा करांगे, इंशाल्लाह तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी च इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह ने तुहानू इकट्ठे करना है मैदान महशर दे अंदर आए काफर लोगों नू और जहन्नम नू आमने सामने करना है। अल्लाह ने आगा फरमाया अपने अखां दे परदे दूर कर लो, अपने कन्ना दे परदे दूर कर लो, अपने आप नू हलाकत विच ना पाओ। अल्लाह वी हाय अल्लाह वी अल्लाह वी रहमत तकसीम कर दे। मेरा सोना नबी ते खुद मुजस्मा रहमत बन के आए ने, कुरान भी रहमत है, उस रहमत नाल अपनियां झोलियां भर लो। अज तहैया कर लो, कन हैन ते सुन लो, अखा हैन ते वेख लो, ऐ कुरान दे विच तुहानू जहन्नम भी नजर आएगी, अल्लाह दी जन्नत भी नजर आएगी, अल्लाह दियां धर्मो सख्तियां भी नजर आउणगियां, अल्लाह दियां नरमियां भी नजर आउणगियां। अल्लाह बड़े गफूर रहीम ने, अल्लाह बड़े बख्शन वाले ने। आए सुन जरा ते आलल, अज अखां हैन ते वेख ले, कान हैन ते सुन ले, जहन्नम भी बरहक है, जन्नत भी बरहक है। पर जड़े अल्लाह दे ना फरमान होणगे, अल्लाह दे बागी होणगे, जहन्नम दा लुकमा बन जाणगे। जड़े अल्लाह कोलो डरन वाले होणगे, गुनाहां दी मुआफ़ी मंगण वाले होणगे, नबी दी सुन्नत अमल करन वाले होणगे, कुरान नाल प्यार करन वाले होणगे। अल्लाह उन्हां नू जन्नत दा मेहमान बना देवेगा। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। अल्लाह दी रहमत चाहिदी है, बोलो सारे, फिर बोलो सारे। ते मस्जिद विच जुमे वाले दिन सवा बारह आओ करोगे ना, अपनिया ये जड़िया ने सुस्तियां दूर करो। अज दे जुमे दा फायदा ए वे सुनन दा अमल कीजिए, दुआ फरमाओ अल्लाह शैतान दे शर को बचाए। टैम थोड़ा जे, जिनी जिनी भी उम्र है अपना हिसाब लगाइए, टैम बड़ा थोड़ा है, किरे गुजर ना जाए। अल्लाह तुहाडी मेरी आहरत बेहतर फरमाए। जड़े रुकू सुनाए ने कुरान दे, अल्लाह इन्हां ते अमल पैरा होण दी तौफीक नसीब फरमाए। अगर अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो, अपनी उम्र ना वेखो। कई अंदर मेरा हुण किहड़ा टाइम है पढ़न दा, मेरा हुण किहड़ा टाइम है, लेकिन कुरान वास्ते उम्र की कैद। कई ऐसे ने, कई ऐसे अल्लाह ने हदायत दी उत्ते हाथ ही फेरते रहिंदे ने, ते अल्लाह उन्हां दा हाथ फेरना भी कबूल कर लैंदे, लफ़ज़ जुबान ते नहीं चढ़दे। वाहिद किताब है वे, जिन्ना अटक के पढ़ोगे सवाब बहुता मिलता है, दोहरा मिलता है। जिन्ना अटक के पढ़ो, अड़ अड़ के पढ़ो, कोशिश करो, अल्लाह सही कुरान पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए। भाई ना वेखो देवबंदी दी मस्जिद है, बरेलवी दी, झगड़े मुकाओ, थोड़ा टाइम रह गया है, अपने अमल दी फिक्र करो। अमल दी फिक्र की है, कमा हकू अल्लाह किताब सुन्नत उते अमल पैरा होन दी तौफीक नसीब फरमाए। अगला रुकू इंशाल्लाह बारहवां सुन वाला होएगा, आप भी आना, दो सहबाब नू भी लेके आना। दुआए फरमाओ अल्लाह मुल्के पाकिस्तान अमन का गहवारा बनाए।
सारे आमीन आखो। ए जड़े माशी परेशानियां बढ़ रही ने, दिन ब दिन तंगियां पैदा हो रही ने, व मन आ रजान जिक्री फाइन न लाहू माइशत अनसन का, जड़ा कुरान वालों मुँह फेरद अल्लाह माइशत तंग कर देंदे ने, माइशत तो इन्हें वालों मुँह ना फेरो, किसी दूसरे वाल ना वेखो, अपनी इसलाह करन दी कोशिश करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ने उन्हें वास्ते दुआ फरमाना, अल्लाह तमाम बीमारा नू सेहत कामला अजला अता फरमाए। मुहम्मद इब्राहिम और मुहम्मद यहिया उन्होंने वालदा बीमार है, सेहत वास्ते दुआ फरमाना। मुहम्मद उमर साहब उन्होंने सेहत वास्ते दुआ फरमाना। शहराज महबूब उन्होंने वालदा वास्ते सेहत की दुआ फरमाना। 1000 रुपया मस्जिद वास्ते अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए। नज़ीर अहमद अंसारी साहब की वालदैन वास्ते बख्शिश की दुआ फरमाना। मस्जिद वास्ते 500 रुपये दी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उन्होंने वालदैन दी कब्रां ठंडियां फरमाए। मुहम्मद मुनीर हयात उन्हें मस्जिद दी वास्ते 1000 रुपये दी अल्लाह पाक उन्होंने बरकत अता फरमाए। गुलाम नबी अंसारी साहब की बख्शिश वास्ते दुआ फरमाना। मुहम्मद अशरफ अंसारी साहब की सेहत वास्ते दुआ फरमाना। मस्जिद वास्ते 2000 रुपया दिता है। मैनू और कारी साहब ने भी तोहफा पेश किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हाजी मुहम्मद रफीक साहब उन्होंने सेहत वास्ते दुआ फरमाना। अल्लाह तमाम बीमारा सेहत कामला अजला अता फरमाए। जरूर आमीन क्या करो, तुहाड़ी आमीन बड़ी ताकत रखती है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। जिन्हें आए हो अल्लाह तमाम दियाँ दुआवां कबूल फरमाए, तो अल्लाह नेक जैज हाजात पूरिया फरमाए। लोग बड़े परेशान ने हालात की वजह तो, कई अपने हालात बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह साड़ियाँ सुस्तियाँ दूर फरमाए, अपने अंदर हिम्मत नेकी दी पैदा की दीए, तो दूसरे वास्ते दुआ कर लगे कंजूसी ना करो। अल्लाह पाक को मैं दुआ करना, अल्लाह मैं जिन्हिया दुआवां की दिया ने अल्लाह कबूल फरमाए। किसी दोस्त ने लिखा है कि दुआ करो मेरिया 4 बेटियां ने, अल्लाह मैनू नेक बेटा अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने नेक बेटा अता फरमाए, तो बेटियां तो परेशान ना हुई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हां दी तरबियत अच्छी करना, इस वास्ते इन्हां नाल मुहब्बत करिया कर, इस वास्ते कि कल तेरे दामन तो पकड़ के जहन्नम वालों तेरा मुँह मोड़ के जन्नत वल कर दिया होनगियां। ऐसी तरबियत कर, इन्हां तो नफरत ना करो। अल्लाह ने बेटियां दित्तियां ने शफ़त हाथ, इस वास्ते रखो कि सानू आमिना दे लाल दे मकान नाल मकान मिल जाए। नबी पाक ने फरमाया, जड़ा बेटियां दी तरबियत अच्छी करदा वेखो कितना बड़ा अजर है। जड़ा अपनियां 2 बेटियां 4 वाले आ, तू ते बड़ा नसीबा वाल है, जिंदियां 2 बेटियां ने उन्हां नाल मुहब्बत करदा है, शफ़त करदा है। जिवे 2 उंगलियां इकट्ठियां ने आमना दे लाल नाल इंज इकट्ठा होवेगा। आखो इंशाल्लाह। जड़ा नबी पाक नू कोलो वेंदा होए, नबी पाक नू कोल खलो के वेंदा होए, किड्डा नसीबा वाला। इतने दुआ मंगी, अल्लाह मदीना विखाए, अल्लाह मक्का भी विखाए, रियाजुल जन्ना में अल्लाह ले जाए, वह किड्डा नसीबा वाला होएगा जड़ा आमिना दे लाल नू कोलो वेंदा होएगा। अल्लाह पूरे मजमे नू आमिना दे लाल दा और मेरे समय जन्नत में साथ नसीब फरमा। शायद आ जाए कबूलियत दी घड़ी होए, मिल के दुआ करिए। हाँ अल्लाह मरिए मौत आए तो इस्लाम ते आए, अल्लाह मौत आए तो इस्लाम ते आए, अल्लाह मौत आए तो इस्लाम ते आए। और कल उठिए जिथे नबी पाक बह के पानी पिलाते हो, सानू भी उथे जगह मिल जाए। आमीन। अल्लाह ये दुआवां कबूल फरम, बड़े नसीबे की बात है। और एक तुहानू बड़ी अच्छी गल दसन लगा, हुण मेरे वल गौर करना। यह जड़े मस्जिद के कलीन बिछे हुए ने, जरूरी ऐलान सी, यह जड़े मस्जिद के कलीन बिछे हुए ने, इनके उत्ते लाइना इस किस्म दियां बड़ियां ने कि कई दोस्त अगे कई दोस्त पिछे खलोंदे ने। इंज खलोना ना नबी पाक नू पसंद है ना अल्लाह नू पसंद है। ऐ वेखो आ जड़े तुहाडे कंधे ने ना, अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत बनाए, इन्हां दे मुताबक अपने पैर खोल के सब बंदी करिया करो। तुहाडे पैर मिले हुण, अल्लाह तुहाडे दिल भी मिला दे। जदों तुहाडे पैर मिलणगे नमाज दी दुरुस्तगी होएगी इंशाल्लाह। ए जड़िया खराफात ने परेशानियां ने दूर होणगियां नबी पाक दी हदीस के मुताबिक। सब बंदी करके नमाज पढ़ोगे अपने कई ना पैर इंज करते ने सफ नू खराब करते ने, ते जड़े अहबाब कुर्सियां ते बैठ के नमाज पढ़ते ने, अल्लाह पाक तुहानू उंज खड़िया करके मौका नसीब फरमाए।
ते इंदे नाल सफ ना खराब करेगा उस सैड ते उस वासे के जिंदे नाल ना पिछली सफ खराब होए ना अगली होए। अगली तो चलो हो गई है मजबूरी नाल, हुण पिछली तो ना होए। इस तरीके नाल खड़े होने की कोशिश करया करो। ये बड़ी तकीदी लफ्ज़ जे नहीं तो अल्लाह दिल मोड़ देंदा है। आ दिल अल्लाह पाक मोड़ देंदे जदों गलत सब बंदी होएगी। हज़रत उमर कहो रज़ी अल्लाह तआला मेरे विच उन्नी ताकत नहीं, नहीं तो दिल करता कोड़ा फड़ के सब सिद्धी करवाते सन। सफ की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है। तो अज इंशाल्लाह इरादा करो नमाज की सब बंदी करके नमाज पढ़ोगे ना, तो और दुआ सी करिए अल्लाह साढ़े हाल बेहतर फरमाए। बहुत लाचार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कंधे नाल कंधा मिलाइए, पैरां नाल पैर मिलाइए, अल्लाह साढ़े दिल भी मिला दे। किसे बारे सोचो तो चंगा सोचो, ये ना हो पढ़ पुढ़ के भी जाइए तो जाया कर जाइए। ए तरबीयत जड़ा भी दोस्त मिले कभी किसी तो नफरत ना करया करो। गुनाहगार को नफरत ना करो, गुनाह को नफरत करो। किंदे को नफरत करो? गुनाह को। जो गुनाहगारा को कर लग पीए आ भी साड़ी मस्जिद ना बढ़े, आ भी ना आवे कढ़ दे जाइए। ये किसी इख्तियार है नहीं है, नबिया इख्तियार नहीं, क्योंकि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने हजरत खालिद बिन वलीद नूं कहा रज़ी अल्लाह तआला नूं जदों उन्हें कहा जी उन्हें उतों तो कलमा पढ़िया सी, उन्हें कड़ा दिलों पढ़िया सी। आपने फरमाया दिलों नूं फोलन दा इख्तियार अल्लाह ने मुहम्मद नूं भी नहीं दिता सल्लल्लाहु। सारे तुसी बेहतर अपने तो सारे नूं बेहतर समझो, अपने एक दूजे की इज्जत करो। वेखो इनकलाब किवें आउंदा है, असी मेहनत करिए उपर देखना छोड़िए। इंशाल्लाह महल्ले घर बस्तियां अमन दा गह